हेलो गाइस, दिस इज शत्रुघ्न एंड यू आर वाचिंग जी ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट की। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? ये रॉलेट एक्ट क्या है? दरअसल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही रॉलेट एक्ट को हिंदी में रॉलेट एक्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो अब ये है क्या, हम ये समझ लेते हैं। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि जो अंग्रेज लोग थे वो हमें हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करते थे, जिसके लिए वो नए नए रूल्स बनाते थे, नए नए कानून बनाते थे। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाया था ताकि वो हमें परेशान कर सकें। अब ये कानून क्या पावर देता है अंग्रेजों को? तो रॉलेट एक्ट के हिसाब से जो अंग्रेज लोग हैं वो बिना वजह के हमारे लीडर्स को, हमारे इंडियंस लीडर्स को, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हमारे इंडियंस लीडर्स थे या फिर जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनके खिलाफ आंदोलन यानी मूवमेंट्स करते थे, उन सभी को बिना कोई रीजन दिए 2 साल तक, 2 ईयर्स तक जेल में डाला जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों को ये पावर देता था। हालांकि बाद में इस एक्ट का बहुत लोगों ने विरोध भी किया, हमारे लीडर्स ने, उसका नतीजा क्या हुआ, जलियांवाला बाग, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, एग्जाम में आपको ये लिखना है जो यहां पर आपको दिया हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश डेफिनेशन और हिंदी वाले हिंदी में डेफिनेशन लिख लेंगे। ओके, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।